my body. In my body, we have discussed about internal organs and external organs, right? Today we will discuss about sense organs. ठीक है, आज हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज सेंस ऑर्गन? द पार्ट ऑफ द बॉडी सेंस ऑर्गन्स क्या है पता लग गया. सेंस ऑर्गन्स उन्हें बोलते हैं बॉडी का वो पार्ट जिसकी मदद से हम अपने आसपास की चीजों को फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज नोन एज सेंस ऑर्गन्स. सो वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स. पहला है आई, दूसरा है ईयर्स, तीसरा है नोज, चौथा है टंग एंड पांचवा है स्किन. ठीक है, दिस आर अवर फाइव सेंस ऑर्गन्स. आई मतलब क्या है? आपकी दो आंखें हैं. ईयर मतलब दो कान हैं आपके. नोज मतलब एक नाक. टंग आपकी जीभ है. स्किन मतलब आपकी चमड़ी. ठीक है, तो वी हैव आईज. आईज का क्या फंक्शन है? वी हैव अ पेयर ऑफ आईज, मतलब हमारे पास दो आंखें हैं. हम आंखों से क्या करते हैं? तो हम आंखों से अपने आसपास की जो चीजें होती हैं उन्हें हम देख पाते हैं. व्हाट इज द यूज ऑफ आईज? आईज हेल्प्स अस टू सी. ईयर्स, ईयर्स मतलब हमारे कान. हमारे पास दो कान होते हैं, दैट इज वी हैव अ पेयर ऑफ ईयर. ठीक है, ईयर से आप क्या क्या कर पाते हैं? तो अगर आपके पास कान है तो आप आवाज सुन पाते हैं. मतलब अभी जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन पाएंगे. कैसे? क्योंकि आपके पास कान है इसलिए आप सुन पाएंगे. ठीक है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ ईयर? ईयर हेल्प्स अस टू हियर. अब जो आपकी आवाजें होती है जो आप सुनते हो वो कभी प्लेजेंट मतलब कभी अच्छी भी हो सकती है, कभी बुरी भी हो सकती है, कभी बहुत धीमी भी हो सकती है, कभी बहुत ज्यादा लाउड भी हो सकती है. राइट, थर्ड वन इज नोज. वी हैव वन नोज, मतलब हमारे पास एक नाक होती है. इसका क्या काम है? नाक का काम है हम कोई भी चीज सूंघ सकते हैं नाक की मदद से. तो व्हाट इज द यूज ऑफ नोज? नोज हेल्प्स अस टू स्मेल. ठीक है, नोज की मदद, नाक की मदद से हम सूंघ पाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज टंग. जी मतलब जो टंग होती है, टंग कहाँ होती है? आपके मुंह के अंदर होती है. उसका क्या काम है? जब भी हम कोई खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कि मिठाई मीठी होती है और करेला कड़वा होता है? वो कैसे पता लगता है? जब हमारे टंग पे उसे रखते हैं और जब से हम खाना शुरू करते हैं, ठीक है, उससे हमें पता लगता है कि वो चीज खट्टी है, मीठी है या तीखी है. ठीक, तो टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट. बेसिकली वी हैव फोर टेस्ट. बेसिकली अवर टंग कैन फील फोर टेस्ट. फर्स्ट इज स्वीट, दैट इज मीठा.
सॉल्टी मतलब नमकीन, बिटर मतलब कड़वा एंड सॉर मतलब खट्टा, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं हमारे पास? चार, स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सॉर, ठीक है। हमारी टंग बेसिकली चार टेस्ट कर सकती है। पहला स्वीट, स्वीट मतलब मीठा कितना है कितना नहीं। सॉल्टी मतलब नमकीन, इसमें कितना बहुत नमक होता है कभी कभी, तो वही सॉल्टी होता है। बिटर मतलब कड़वा हो गया। सॉर मतलब खट्टा, जो आपके अचार वगैरह होते हैं, राइट। तो हमारे टंग ये चार टेस्ट कर सकता है, राइट। फोर्थ वन, फिफ्थ वन इज स्किन। अब स्किन जो है आपकी हर पूरी बॉडी में, आपकी स्किन अगर आपने देखा होता है पूरी बॉडी में स्किन है, ठीक है। तो स्किन से क्या होता है, हमें अगर हमारे पास बहुत सारे सामान पड़े हुए कोई भी है, कोई कुछ भी जो होता है वो सॉफ्ट हो सकता है, हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है। अगर हमारे पास जो सामान पड़ा है, जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, रफ भी हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है। तो हमें वो देख के तो पता नहीं लगेगा कि वो क्या है कैसा है, जब तक उसे हम एग्जैक्टली फील नहीं करते हैं, ठीक है। फील कैसे करेंगे, उसे छू कर फील करते हैं, मतलब उसे हम टच करके पता लगा पाते हैं कि वो एक्चुअली में कैसा है, ठीक है। तो स्किन का क्या काम है, स्किन हेल्प्स अस टू फील। फील कैसे करेंगे, उस चीज को छुएंगे तो हमें फील होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले लें ग्लास में पानी, एक ग्लास में आप गर्म पानी ले लें, दूसरे में आप ठंडा पानी ले लें या नॉर्मल पानी ले लें, तो देख के तो नहीं पता लगेगा कि ठंडा है कि गर्म है जब तक आप उसे छुएंगे नहीं, ठीक है। वो तो उसके वहाँ पर कौन सा सेंस ऑर्गन काम कर रहा है, तो वहाँ पर हमारा स्किन काम कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी दैट हेल्प्स अस टू फील थिंग्स अराउंड अस। वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन। फर्स्ट इज आई दैट हेल्प्स अस टू सी, सेकेंड इज ईयर्स दैट हेल्प्स अस टू हियर, थर्ड इज नोज दैट हेल्प्स अस टू स्मेल, फोर्थ इज टंग दैट हेल्प्स अस टू टेस्ट, फिफ्थ इज स्किन दैट हेल्प्स अस टू। So this was all about your sense organs, ठीक है। अब हमारी पूरी बॉडी के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक। अब पूरी बॉडी को हमें साफ सुथरा भी रखना पड़ेगा, राइट। वी शुड टेक केयर ऑफ इट, हमें हमारी बॉडी ठीक से रखनी भी पड़ेगी। सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बॉडी का ध्यान रखना, ठीक। तो आप अपनी बॉडी का कैसे ध्यान रखते हैं, आप लोग रोज स्कूल जाते हैं या स्कूल आते हैं तो आप कैसे आते हैं, नहा धो के आते हैं, राइट। तो वी शुड ऑलवेज टेक बाथ एंड वी शुड ऑलवेज कीप इट क्लीन, ठीक है। Keep your nose clean and always do it with handkerchief, ठीक है। सर्दी होती है तो नोज ही
नोज़ी आने लग जाती सबको, तो हमें हमेशा अपना नोज साफ रखना चाहिए और हमेशा उसे हैंडकरचीफ से ही, मतलब कि रुमाल से ही पोंछना चाहिए, ना कि कोई भी कपड़ा दिख गया, कुछ भी दिख गया तो वहाँ पर हमने पोंछ लिया, वो गंदी आदत होती है। ठीक है, खेलना चाहिए ताकि हम लोग हेल्दी रह सके। ठीक है, तो हम अपने आप का कैसे ख्याल रख सकते हैं। पहला क्या है कि हमेशा हमें नहाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सोप एंड वाटर। सेकंड इज ईट हेल्दी एंड क्लीन फूड, हमेशा साफ खाना और हमेशा हेल्दी खाना खाएं, ना कि बाहर का जो जंक होता है, मतलब कि आपके पैकेट्स वाले जो फूड्स होते हैं या बर्गर पिज्ज़ा वगैरह होते हैं, वो हमें नहीं खाना चाहिए, हमेशा हमें हेल्दी खाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रश योर टीथ व्हाइल यू आर डूइंग, हमेशा हमें दांतों को दो बार साफ करना चाहिए, हमेशा दिन में हमें दो बार दांत साफ करने चाहिए, पहले मॉर्निंग में और दूसरा सोने से पहले, मतलब कि खाने के बाद हमेशा साफ करना चाहिए। फोर्थ है, हम कभी भी हमें कोई भी नुकीली चीज़ हमारे आँख या नाक में या किसी भी बॉडी पार्ट में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर डालेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, हमारा बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज वी शुड कीप नोज क्लीन, हम जब हमें हमारा नाक गंदा होता है तो हमेशा हमें एक हैंडकरचीफ रुमाल रखना चाहिए हमारे साथ, और उसी से हमारी नाक को पोंछना चाहिए, ना कि आपको किसी भी कपड़े में आप पोंछ लिया आपने। नेक्स्ट इज हमेशा योगा करिए, मतलब कोई ना कोई एक्सरसाइज करिए, लाइक योगा कर सकते हैं आप, और हमेशा हमें खेलते रहना चाहिए ताकि हम लोग फिजिकली फिट रह सकें। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक केयर